नमः महेश्वर। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह बृहस्पति साल 2024 के पहले मार्गी होने वाले हैं, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। 31 दिसंबर 2023 की सुबह 7:08 पर देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में वक्री चाल को छोड़कर सीधी चाल से चलेंगे और 9 अक्टूबर 2024 तक बृहस्पति मार्गी रहने वाले हैं। इस समय अंतराल में बृहस्पति कई राशि वाले जातकों को शुभता प्रदान करेंगे और कई राशि वाले जातकों को नकारात्मक प्रभाव भी प्रदान करने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु की मार्गी चाल किन किन क्षेत्रों में शुभता प्रदान करेगी, यही जानकारी हम आपको प्रदान करने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों, 2024 में गुरु के प्रभाव से कैसी होगी शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य, विवाह, संतान, धन धान्य की स्थिति कैसी रहेगी, ये सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। गुरु के बारे में जानकारी दिया जाए, बृहस्पति सभी नवग्रहों में एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु को संतान, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रगति, आध्यात्मिक उन्नति, धन, इन सब विषयों का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर बृहस्पति का ही प्रभाव होता है। कुंडली पर बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी राशियों में माने जाते हैं। मकर राशि में यह नीचस्थ अवस्था में, वही कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं। देवगुरु बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की कुंडली पर यदि बलवान अवस्था में विराजित हो, यानी सूर्य के द्वारा अस्त नहीं होने चाहिए और बृहस्पति उच्च के होने चाहिए, यानी कर्क राशि में होने चाहिए या स्वराशि धनु और मीन में होने चाहिए, तो गुरु के शुभ प्रभाव से जीवन में कई प्रकार की उन्नति और सफलता प्राप्त होती है। गुरुदेव बृहस्पति अगर बलवान हो तो जातक सात्विक विकास, सात्विक गुणों के साथ जीवन में चलता है। सरस्वती की कृपा ऐसे व्यक्ति के जीवन में बरसती है। ऐसा व्यक्ति शिक्षित, ज्ञानवान, उदार विचारों का होता है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। गुरु बलवान हो तो उत्तम कुल में विवाह होता है। संतान के सौभाग्य में वृद्धि, संतान सुख की प्राप्ति होती है। गुरु अगर बलवान होते हैं तो जीवन में व्यक्ति को धन के मामले में लगातार अनुकूलताओं का या शुभ परिणामों का सामना करना पड़ता है। धन की समस्या जीवन में कभी भी नहीं होती है। गुरु अगर केंद्र में विराजित हो जाए, यानी कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव पर बृहस्पति अगर शुभ अवस्था में विराजित हो जाए, कुंडली के लाख दोषों का शमन करते हैं, यानी नाश करते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है। देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली पर पीड़ित हो जाए, यानी बृहस्पति शनि राहु केतु के प्रभाव में यदि आ जाए, या बृहस्पति नीचस्थ अवस्था में हो जाए, सूर्य के द्वारा अस्त हो जाए, शारीरिक कष्ट देने लगते हैं, विवाह में परेशानी होती है, वैवाहिक जीवन में विलंब का सामना करना पड़ता है। गुरु पीड़ित होते हैं तो पाचन तंत्र, कैंसर की समस्या, पेट दर्द, थायराइड की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। शिक्षा बीच में ही छूट जाती है। गुरु पीड़ित हो तो संतान उत्पन्न करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किन किन मामलों में सकारात्मक प्रभाव मिलेगा और कहां पर आपको सावधान रहना है।
कर्क राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपके रोग भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह माने जाते हैं। 31 दिसंबर से 9 अक्टूबर 2024 तक बृहस्पति आपके लिए बहुत ही बेहतर अवस्था में रहेंगे और 31 दिसंबर को गुरु आपके दशम भाव पर मार्गी होने वाले हैं। दशम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि, मान सम्मान, करियर के बारे में विचार करते हैं। बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देखने वाले हैं। सप्तम दृष्टि से आपके राशि के सुख भाव को प्रभावित करने वाले हैं। नवम दृष्टि से आपके रोग भाव को प्रभावित करने वाले हैं। तो आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है और गुरु वक्री थे, तो कर्म क्षेत्र के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को कई समस्याएं हो रही थी, पारिवारिक समस्याएं हो रही थी, धन से जुड़ी हुई समस्याएं हो रही थी। दशम भाव पर बृहस्पति के मार्गी होते ही आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में चल रही समस्याएं समाप्त होने वाली है। करियर में सकारात्मकता कर्क राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। लंबे समय से यदि आपका कोई कार्य व्यवसाय रुका हुआ था और जिसके आप पूरा होने की स्थिति में थे, रुका हुआ कार्य आपके जीवन में आसानी से बनेगा। मेहनत का सही परिणाम बृहस्पति आपको देने वाले हैं। 2024 की शुरुआत से ही बृहस्पति का मार्गी प्रभाव मान सम्मान में वृद्धि, मनोबल और पराक्रम में वृद्धि करवाने वाला है। इसकी वजह से आप अपने जीवन में अच्छा वातावरण बनाकर सफलता अर्जित कर पाएंगे। कानूनी मामलों में यदि आपका जुड़ाव है, किसी प्रकार के मुकदमेबाजी के विजय की संभावना को लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। धन से जुड़ी हुई समस्याएं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में समाप्त होने वाली है। बृहस्पति आपके धन भाव से संबंध जोड़ रहे हैं, धन की वृद्धि आपके जीवन में होने वाली है। चतुर्थ दृष्टि में चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन, नया भवन, नई गाड़ी, इन चीजों को यदि आप लेना चाहते हैं, इसके लिए सहायक सिद्ध होने वाली है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों, बृहस्पति आपके छठवें भाव को देख रहे हैं। ऐसे में यदि आपके जीवन में स्वास्थ्य जनित समस्याएं बनी हुई है, सेहत के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को बार बार बदलाव हो रहा है, बार बार आपको निराशा हो रही है, थायराइड की समस्या, पेट में प्रॉब्लम, एसिडिटी की समस्या, ये सभी समस्याएं यदि आपको हो रही है, इससे आपको निजात मिलने वाला है। शारीरिक रूप से किसी प्रकार की गंभीर समस्या यदि आपके जीवन में चल रही है, उससे आपको बृहस्पति निजात देने वाले हैं। रिश्तों के मामले में यह समय बेहतर रहेगा और परिवार का भी आपको सहयोग मिल सकता है। इस प्रकार का प्रभाव देवगुरु बृहस्पति आपको देने वाले हैं। यदि आपके लिए सावधानियों की जानकारी दिया जाए, गुरु दशम भाव पर मार्गी है। सबसे पहली सावधानी कर्क राशि वाले जातकों को यह रखनी चाहिए, बार बार किसी नए कार्य को करना या बार बार कार्य व्यवसाय का बदलाव करने से आपको बचना चाहिए। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को नपे तुले शब्दों का प्रयोग वर्क प्लेस पर करना है, कड़वे शब्दों का प्रयोग आपको जीवन में नहीं करना है, तो स्थिति आपके जीवन में बेहतर रहने वाली है। तीसरी सावधानी, कर्क राशि वाले जातकों को बिना रूपरेखा बनाए किसी भी कार्य व्यवसाय में संलग्न होने से बचना चाहिए। नियम बनाकर यदि आप काम करेंगे, समय प्रबंधन का भी यदि आप ध्यान देते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक और बेहतर बनने वाली है। उपाय की जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों को बृहस्पति जनित शुभता को अर्जित करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को बृहस्पतिवार के दिन यदि आप चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा,
पके हुए केले, पीला पकवान या पुस्तक जरूरतमंद लोगों में दान करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में बेहतर बनने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही हो आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोस के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय।